स्टार्ट करें मैम। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका। एडहॉक शिक्षकों की लंबे अरसे से सेवारत लोगों की डिमांड है कि उनको नियमित किया जाए और पूरे देश से आज एडहॉक शिक्षक हैं वो आए हुए हैं और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 65 वर्ष की जो सुनिश्चित की जाए अवधि शिक्षकों की, बहुत सारी इनकी डिमांड्स हैं और उस डिमांड को कह रहे हैं कि शिक्षा जो होती है देश का भविष्य होती है और शिक्षा जो शिक्षक होता है देश का भविष्य तैयार कराता है। अगर शिक्षक को ही अगर आप इस तरह से हाशिए पे रख देंगे तो कैसे देश तरक्की करेगा, क्योंकि ये तो एक तरह से देश के बैकबोन पे प्रहार है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पास आए हुए जंतर मंतर से और हम इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी डिमांड्स क्या क्या है। मैम, यू आर रेजिंग द स्लोगन्स वी डिमांड्स, देयर आर लॉट ऑफ डिमांड्स, सो हाउ मेनी डिमांड्स यू हैव? हमारा जो डिमांड है, फर्स्ट जो डिमांड है वो रेगुलराइजेशन, जॉब सिक्योरिटी का फर्स्ट डिमांड है हमारा। और जो सुप्रीम कोर्ट बोले हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हम लोग भी चाहते हैं। हम लोग सेम वर्क करते हैं एज फुल टाइम टीचर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया, तो हम लोग ये चाहते हैं जे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एंड वी ऑल्सो डिमांड द रिटायरमेंट बेनिफिट। आप जानते हैं जो हम लोग जो रिटायर करेंगे, और तो रिन्यूअल सिस्टम में हमारा काम है, एक साल सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं है हमारा, और नो ग्रेच्युटी, नो प्रोविडेंट फंड, नो पेंशन, दे आर हैव नो सोशल सिक्योरिटी। कहते हैं कि शिक्षक है ना देश का भविष्य तैयार करता है, और जब उसका ही भविष्य अधर में हो, उसका ही भविष्य लटक रहा हो, क्या किस तरह की, ये जैसे लगता है ठेके पे चला दिया गया हो देश, क्या क्या समस्याएं आती है? हमारा जो समस्या है, जो हम लोग काम करते हैं होल डे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल एडहॉक एनी नोमेनक्लेचर गेस्ट फैकल्टीज, तो हम लोग जो काम करता है सुबह से शाम तक, बट हमारा पे मिनिमम पे देते हैं, मीगर ऑफ अमाउंट का दिहाड़ी मजदूर बना दिया गया है शिक्षक को, कि भाई डे डे वाइज पैसा मिलेगा जैसे एक मजदूर को मिलता है, उससे भी बुरी स्थिति कर दी है। हाँ, ये तो है ही। और हमारा जो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पर ईयर हमारा रिन्यूअल सिस्टम में आना जाता है, और इसलिए हमारा पैनिक हो रहा है, आज काम है तो कल नहीं होगा, टर्मिनेट हमेशा ही चलते हैं, और हम लोग सैंक्शन बिहाइंड पोस्ट के तरफ किला हम लोग रहते हैं। कहते हैं कि मनमानी चल रही है, जिसको चाहे रखेंगे, जिसको चाहे हटा देंगे। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी का और गवर्नमेंट का, कॉलेज अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी, यही ठीक करते हैं। आज हम काम करें कि करें ना करें, मतलब कभी भी आप अनिश्चितता है फ्यूचर को। अच्छा, एक चीज और बताइए कि क्या नियमित करने के नाम पे भी कुछ लोगों से वसूली की जाती है, क्या अलग तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है? नहीं सर, अनदर प्रॉब्लम इज दैट इज द इवन द टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ द नेशन, वी नो, एंड द टीचर्स आर वी द टीचर्स आर प्रैक्टिकली द टॉर्च बियरर ऑफ द हायर एजुकेशन, राइट? बट द थिंग इज दैट इवन वी हैव टू कंटिन्यू द होल एजुकेशन सिस्टम, द वी हैव टू टेक द क्लासेस, वी हैव टू टेक द आंसर स्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट, वी हैव टू प्रिपेयर द क्वेश्चंस। Is that, but the awful situation is that even the teachers, when they need the maternity leave also, which is the constitutional right, they're not giving. What do you think the mentality of privatization is there? That's why they are doing this such kind of. Yes, the privatization is there, and the thing is that we are the number of the non-regular teachers throughout the state is more than the regular teachers. Mm. But when the regular teachers entered into the college, we are forced that you take you are being retrenched.
okay, these are the situations going on. How many teachers College in every state, the teachers, number of non-regular teachers are about 70%. 70%. So the number is more than lakhs. Number in lakhs. Phone aaya hai education ministry se. Phone aaya hai. Wo der baje hamara saath mulaqat karenge. There is a positive signal from education. Education and also UGC chairperson. दफ्तर से फोन आए हैं, हम लोग गए थे, हमारा 5 डेलीगेशन, और अभी 1:30 बजे एजुकेशन दफ्तर से क्या लग रहा है कुछ सकारात्मक सरकार हम लोग सुनाने पड़ेगा ना फर्स्ट, जो हमारा डिमांड हम लोग जो अपहोल्ड करते हैं वो उनको पास पहुंचाना होगा, तो ये हम लोग चाहते हैं, हमारा मेमोरेंडम है, हम लोग दे सकेंगे वो। देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ शिक्षक मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि इनको रेगुलर किया जाए, अभी मिनिस्ट्री से कॉल आया है, देखना होगा कि क्या परिणाम।